हाय व्यूअर्स, आप जो खाते हैं उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स बैलेंस डाइट लेने से ही ठीक हो सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बड़ी शारीरिक और मानसिक समस्याओं की जो विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। कैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है, डबल विजन और थकान का क्या, कैसे आप मूडी हो गए हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, ये सच है। सुनने में कितना ही बेतुका लगे, लेकिन आपकी डाइट और डिप्रेशन के बीच एक लिंक होता है, खासकर तब जब आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 ना मिले। शोधकर्ताओं को पुख्ता सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि B12 कम होने से आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है। यही एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को हर दिन विटामिन B12 का 1 मिलीग्राम सप्लीमेंट लेना चाहिए। बेशक इसे चल रहे ट्रीटमेंट के साथ लें, इलाज को B12 सप्लीमेंट से रिप्लेस ना करें। लेकिन B12 आपके मूड के लिए इतना जरूरी क्यों है? पता चला है कि B12 आपके दिमाग में मूड रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स का लेवल बढ़ाता है। इस हार्मोन के कम होने से डिप्रेशन हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं? क्या आप पहले कभी डिप्रेशन से लड़े हैं? कैसे मदद मिली थी? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, नर्व डैमेज हो सकता है। B12 की कमी के मेजर साइड इफेक्ट्स में से एक है नर्व डैमेज। और दुख की बात यह है कि कई लोगों को इसका एहसास नहीं होता। आप हाथ और पैरों में अचानक कांटे चुभना जैसा महसूस कर सकते हैं, या हथेली जैसी और जगहों में सुई चुभने जैसा महसूस कर सकते हैं। ये विटामिन B12 की कमी से होता है। लंबे वक्त तक B12 की कमी रहे तो नर्व डैमेज के संकेत दिखते हैं। ये विटामिन आपके मेटाबॉलिक पाथवे का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है और नर्व्स के आसपास एक फैटी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उनकी रक्षा करता है। अब समझिए पर्याप्त विटामिन B12 ना होने पर क्या होता है। आपका शरीर उस फैटी सब्सटेंस को बनाने का तरीका तो खोज लेता है, लेकिन नर्वस सिस्टम पहले जैसा अच्छा नहीं रहता। आपको समय समय पर वो चुभन महसूस होती रहेगी। तीसरा, दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी। आपके साथ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक गिर गए। क्या चलते समय आपका बैलेंस बिगड़ जाता है? क्या आप खुद को क्लम्जी कहते हैं? अगर यही आपकी कहानी है तो खुद पर इतनी सख्ती ना दिखाएं। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ना होना विटामिन B12 की कमी से हुए नर्व डैमेज के कारण हो सकता है। नर्व्स के सिस्टम को हुए नुकसान के कारण मोबिलिटी में बदलाव आ सकते हैं। चलने में परेशानी के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पकड़ ढीली हो जाए। मैं बात कर रही हूँ कांपते हाथों की। आप एक ग्लास भी कसकर नहीं पकड़ पाएंगे। ये सब आपके शरीर में B12 की कमी के स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट ज्यादातर B12 की कमी से जूझ रहे बुजुर्गों में पाया जाता है। 60 से ऊपर के लोगों में इस कमी के बढ़ने का खतरा अधिक होता है। अगर ऐसा है तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने और इस कमी का इलाज कराने से आपको मोबिलिटी में सुधार देखने को मिलेगा। पर ये मत सोचिए कि आप जवां हैं तो बच गए। विटामिन B12 की गंभीर कमी वाले युवा को भी चलने और बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, आपकी जीभ सूजेगी और मुंह में छाले होंगे। जीभ अपना रंग या आकार बदले तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे डाइजेशन में कुछ गड़बड़ है। जीभ और मुंह के छालों की समस्या अक्सर पेट की परेशानी से जोड़ी जाती है। ये कुछ हद तक सच है, पर मुंह के छाले और जीभ में सूजन विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकते हैं। क्या आपकी जीभ का आकार और रंग बदल रहा है? क्या ये सूजी है, लाल है और दर्द हो रहा है? ये सब B12 की कमी से हो सकता है। जरूरी नहीं कि जीभ पूरी लाल और सूजी हुई हो, कई बार इससे अजीब सी चिकनाई भी हो सकती है। इससे बोलने का तरीका बदल सकता है। आपको खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है और खुजली भी। विटामिन B12 की कमी से मुंह में छाले, जीभ पर लंबे घाव और मुंह में सुई चुभने जैसा महसूस हो सकता है। अगर आप अपने ब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश बदल बदल कर परेशान हो गए हैं और ओरल प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही, तो समय आ गया है आप अपने B12 लेवल्स पर ध्यान दें। क्या पता आपको दांत के डॉक्टर की जगह फिजिशियन की जरूरत हो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक वीडियो है जो शायद आपको पसंद आए। विटामिन B12 की कमी की तरह तनाव एक और परेशानी है जो आपकी सेहत खराब करती है। ये वीडियो देखें और जानें वो 11 संकेत जो बताते हैं आपका शरीर स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा है। पांचवा, थकान जिंदगी से मजे छीन लेगी। कभी कभी लेटना ठीक है, हम सबको आराम की जरूरत होती है। काम, रिश्ते और जिंदगी की चुनौतियाँ सभी हमें कई तरह के स्ट्रेस दे सकती हैं। पर अगर आप हमेशा थका फील करें। कमजोरी और थकान B12 की कमी के 2 आम सिम्टम्स हैं। थकान तब होती है जब शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती। कुशल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो आप दिन के काम भी नहीं कर पाते। सोच रहे हैं ये नौबत कैसे आती है? आपका शरीर ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं कर पाता?
ऐसा इसलिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन B12 नहीं होता। ये रेड ब्लड सेल्स ही आपके शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। असल में बुढ़ापे में विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होना काफी आम है। इस प्रकार का अनीमिया ऑटोइम्यून कंडीशन के कारण भी हो सकता है। इस ऑटोइम्यून कंडीशन में आपको एक महत्वपूर्ण प्रोटीन की कमी होगी जो जाके पेट में B12 से जुड़ता है। ये जुड़ना जरूरी है क्योंकि आपका शरीर ऐसे ही B12 को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो अगली बार आप कहें कि मुझे थकान हो रही है तो खुद से पूछें, क्या मैं अक्सर ऐसा महसूस करता या करती हूँ? अगर जवाब हाँ हो तो अपने B12 लेवल्स की जाँच कराएं। छठा, आँखों पे असर पड़ता है। B12 की कमी के और साइंस ढूंढ रहे हैं तो अपनी आँखों को देखें। सच में आँखों से सिर्फ दुनिया ही नहीं आपका स्वास्थ्य भी देखा जा सकता है। आँखों की कंडीशन और उनका रंग स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहता है। पोषक तत्वों की कमी से भी आपकी दृष्टि खराब हो सकती है। आपकी आँखें हल्की पीली हैं तो ये B12 की कमी का एक और बड़ा संकेत हो सकता है। इसमें वो सफेद हिस्सा थोड़ा पीला दिखेगा। ये आपके शरीर के रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में आई समस्या के कारण होता है। जब शरीर में ये जरूरी विटामिन नहीं होता तो रेड ब्लड सेल्स बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर को रेड ब्लड सेल्स बनाने वाले DNA को बनाने के लिए B12 की आवश्यकता होती है। DNA ना बनने के कारण रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बन पाते। इससे एक खास तरह का अनीमिया बनता है जो बोन मैरो में बड़े और नाजुक रेड ब्लड सेल्स बनने से कैरेक्टराइज होता है। ये रेड ब्लड सेल्स इतने बड़े होते हैं कि वो आपके बोन मैरो से बाहर नहीं निकल पाते और सर्कुलेशन में नहीं आते। नतीजतन आपके शरीर में ज्यादा ब्लड सेल्स नहीं होते। यहीं से आपकी स्किन और आँखें पीली होनी शुरू होती हैं। B12 की कमी से आँखों पर सिर्फ इतना प्रभाव नहीं पड़ता, अगर लंबे समय तक इलाज ना कराया जाए तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है जिससे नजर धुंधली हो सकती है। डरावना तो लगता है लेकिन अच्छी खबर ये है कि B12 की खुराक बढ़ाने से ये सब ठीक हो सकता है। सातवां, आपको अक्सर बुखार रहेगा। क्या आपको बेवजह बुखार होता है? ये एक रेयर सिम्टम है, फिर भी कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें विटामिन B12 की कमी के इलाज से बुखार पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। B12 कम हो तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। सोच रहे हैं पर्याप्त B12 पाने के लिए क्या खाना चाहिए? पके क्लैम्स ट्राई करें। करीब 80 ग्राम पके क्लैम में आपके डेली B12 रिक्वायरमेंट का 3,504% होता है। पका लिवर और बीफ भी अच्छे स्रोत हैं। अगर मछली पसंद है तो सैल्मन, ट्राउट और टूना ट्राई करें। ये इस अद्भुत पोषक तत्व से भरी होती है। दूध भी अच्छा होता है। एक कप लो फैट वाला दूध आपकी डेली B12 रिक्वायरमेंट का 50% पूरा कर देता है। क्या आप विटामिन B12 की कमी के इन लक्षणों के बारे में जानते थे? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं, हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।